फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल लव नॉफिली में। दोस्तों, जैसे कि आपने इस चैनल को देखा होगा, जैसे हमने पहले पार्ट कल हमने पहले पार्ट देखा था और हम इस पार्ट टू को करने वाले थे। इस पार्ट टू को तो बिना देर के चले स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और इसका पहला क्वेश्चन ये रहा, द इक्वलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम शोन इन द फॉलोइंग सर्किट। वेरी सिंपल क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये सर्किट वाला सिंपल सा क्वेश्चन है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्लास 12 चैप्टर 3 है ना। तो ये सीरियस एन सी आर टी का क्वेश्चन है। अगर आप देखें तो अपने एन सी आर टी में सॉल्व एग्जाम्पल्स में कई सारे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। तो उसमें से एक क्वेश्चन है, ये आपको दिया हुआ एक सर्किट छोटा सा, उसमें थ्री माइक्रोफैरड का दो पैरेलल में है, एक सीरीज में है। तो हमको पता है पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे होता है, हमने पहले सॉल्व किया क्वेश्चन को। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। देखिए, आपको दिया हुआ सीरीज क्वेश्चन में दो पैरेलल में है, तो पैरेलल क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। वन बाई थ्री दो पैरेलल, तो सी थ्री प्लस थ्री होगा सिक्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन को पता होना चाहिए। वन बाई सी पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, सी सी इक्वलेंट इज इक्वल सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री, ठीक है। और सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, वन बाई सी इक्वलेंट इज इक्वल टू वन बाई सी वन प्लस वन बाई सी टू प्लस वन बाई सी थ्री, ठीक है। तो इस तरह अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका एक आंसर आएगा 2 माइक्रोफैरड, आपको दिख रहा है आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मेटल वायर हैज मास 0.4 प्लस माइनस 0.002 ग्राम, मास दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर। ये आपका दिया हुआ क्वेश्चन है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का, और टॉपिक है एरर्स। और हमने इस तरह क्वेश्चन पहले सॉल्व किया हुआ है एनसीईआरटी, अगेन सेम एनसीईआरटी क्वेश्चन है, चैप्टर 2 क्लास 11, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, देखिए आपको डेटा दिया हुआ है और आपको मास इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी निकालना है, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी के वैल्यूज हम देंगे, वैल्यूज का जो मिलेगा आपको डेल्टा रो बाई रो इज इक्वल टू डेल्टा एम बाई एम प्लस 2 टाइम्स डेल्टा आर बाई आर प्लस डेल्टा एल बाई एल। ये आपका सीधा सीधा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में है ये क्वेश्चन। अगर आप देखेंगे ध्यान देंगे, ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे, अगर हमने सॉल्व किया हुआ आपको याद आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसको इसका सॉल्व करने पर आंसर आएगा इक्वलेंट 1.6%। नेक्स्ट, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए लॉन्ग स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच्ड बाय 2 सेंटीमीटर इज यू। आपको पोटेंशियल एनर्जी यू दिया हुआ है फॉर ए स्प्रिंग, जब स्प्रिंग को आपने 2 सेंटीमीटर स्ट्रेच कर दिया, तो जब उसी स्प्रिंग को 8 सेंटीमीटर स्ट्रेच करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। आपको याद होना चाहिए सिंपल फॉर्मूला, बेस्ड क्वेश्चन हमने कई बार सॉल्व किया इसको। आपको पोटेंशियल एनर्जी होती है वी या यू इज इक्वल हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर आप इसको वैल्यू रख देंगे क्यू एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर टू, और फिर फॉर सेम एक्स फॉर 8 सेंटीमीटर आपको दोनों 2 और 8 के कंपेरिजन में आंसर मिल जाएगा आपको। नया यू पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 16 टाइम्स ऑफ पुराना पोटेंशियल एनर्जी, यू इज इक्वल टू 16 U, ठीक है। नेक्स्ट, इन ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये चैप्टर 8 क्लास 12 EM वेव का क्वेश्चन है। ट्रैवलिंग इन फ्री स्पेस, द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ऑसिलेट्स साइनसोइडली, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, एम्पलीट्यूड दिया हुआ है, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड का फाइंड करना है। अगेन ये टाइट फॉर्मूला इस क्वेश्चन, ई इज गुड सी बी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सी बी हम जब स्पीड ऑफ लाइट की बात करते हैं, या ई इज गुड वी बी जब लाइट स्पीड जो है नॉर्मल स्पीड है लाइट के बराबर नहीं है, वी बी यूज़ करते हैं, सी बी यूज़ करते हैं इसमें, ठीक है। तो आपको बी की वैल्यू मिल जाएगी अगर आप रख दो वैल्यू 1.6 × 10⁻¹⁰, ठीक है। अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड टू एंड क्लोज सरफेस, ये आपका मैग्नेटिज्म मैटर में चैप्टर 2.9 एनसीईआरटी का है, ठीक है। ये जस्ट एक लाइन दिया हुआ, अगर आप ध्यान देंगे इस पर पेज नंबर 84 शायद है, ऐसे कुछ है, चैप्टर 5 क्लास 12 का, ठीक है। तो ये आपका क्लोज सर्फेस से क्या होता है, अमाउंट ऑफ फ्लक्स एंट्रिंग इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ फ्लक्स लीविंग, तो आंसर का ऑप्शन 0 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 0। चलिए नेक्स्ट, एंड ए सी सोर्स इज कनेक्टेड टू कैपेसिटर सी ड्यू टू डिक्रीज इन इट्स ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, तो क्या होता है। अगेन ये आपका चैप्टर 7 क्लास 2 चैप्टर 7 एनसीईआरटी क्वेश्चन है, आपको बताना है इसमें इसका ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी में क्या फर्क पड़ेगा। इसका क्वेश्चन हमने सॉल्व किया हुआ है, आपको याद होना चाहिए रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्स सी इज इक्वल टू 1/1 ओमेगा सी होता है, तो सी और एक्स सी में क्या रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर न्यू डिक्रीज होता है तो एक्स सी इंक्रीज होगा, एक्स सी इंक्रीज होगा तो करंट डिक्रीज होगा, क्योंकि एक्स सी क्या है, एक तरफ रिएक्टेंस है एक तरफ रेजिस्टेंस,
रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा तो करंट, रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो करंट डिक्रीज होता है, ठीक है। नेक्स्ट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द फॉलोइंग सर्किट, आपको सर्किट दिया हुआ है, इसमें रेजिस्टेंस 10 वोल्ट 5 वोल्ट का वोल्टेज दिया हुआ है और तीन रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो आपका आंसर क्या होगा, इसमें मैग्नीट्यूड बताना और डायरेक्शन बताना है, तो दोनों निकालने की जरूरत नहीं है, अगर आपको मैग्नीट्यूड मिल गया कोई भी एक मैग्नीट्यूड तो आपको आप आंसर टिक कर सकते हैं वो डायरेक्शन कोई भी, क्योंकि आपको ए बी सी डी चारों मैग्नीट्यूड्स बहुत डिफरेंट है, बहुत दूर दूर है, सिंपल सा सोल्यूशन होगा, एक आंसर मिल जाएगा आपको तो आपको डायरेक्शन भी आ जाएगा। तो देखिए सॉल्व कैसे करते हैं इसको, आपको डेटा दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, करंट दिया हुआ है, आपको करंट की वैल्यू क्या होती है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस होता है, वोल्टेज नेट वोल्टेज अपॉन नेट रेजिस्टेंस, ठीक है, आपको 0.5 एम्पीयर्स, तो ऑप्शन डी 0.5 एम्पीयर फ्रॉम ए टू बी थ्रू ई इज करेक्ट आंसर, सिंपल। नेक्स्ट द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए जायरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास एम एंड रेडियस आर अबाउट इट्स ओन एक्सिस टू द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ द होलो स्फीयर ऑफ सेम रेडियस, ये एक बोनस क्वेश्चन था फ्रेंड्स, आपको सबको ने आपने सॉल्व किया होगा, आपने चेक किया होगा, कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो जिसने अटैम्प्ट किया, जिसने अटैम्प्ट नहीं किया, तो सबको मार्क्स मिले होंगे इसमें, प्लस 4 मार्क्स सबको मिले होंगे, ठीक है। सॉल्व देखते हैं सॉल्व क्या होता है, हमें पता है आई इज गुड एम के स्क्वायर होता है, आपको के वन के और के टू का वैल्यू पूछा है इसमें, ठीक है, तो आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आता है रूट थ्री से रूट फाइव आंसर आता है, और ये बोनस क्वेश्चन था तो ऑप्शन चारों ऑप्शन गलत थे, सही आंसर है रूट थ्री से रूट फाइव। नेक्स्ट ए फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट कंसिस्ट ऑफ टू पीएन जंक्शन डायोड्स ए सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर कैपेसिटर एंड ए लोड रेजिस्टेंस, विच ऑफ दिस कंपोनेंट्स रिमूव द एसी रिपल, एसी रिपल इफेक्ट क्या होता है फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए एसी रिपल इफेक्ट, ये देखिए एसी रिपल इफेक्ट होता है सिर्फ और सिर्फ आपको याद रखना है, ये आपको डायरेक्टली दिया हुआ है चैप्टर 7 में ही, कैपेसिटर ओनली कैपेसिटर रिमूव्स एसी रिपल और रेजिस्टर और इंडक्टर रिमूव नहीं करते, ठीक है, कैपेसिटर रिमूव्स एसी रिपल इफेक्ट, तो आपका आंसर है ऑप्शन ए। एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी मूविंग अलॉन्ग द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज, आपको एंगुलर एक्सेलरेशन बताना है, ये अगेन ये भी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको पता होना चाहिए एंगुलर वेलोसिटी हम जनरली स्केलर मानते थे, पर एक्चुअली इसे वेक्टर, और इसका प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ये मानना है आपको, और इसका डायरेक्शन जो है एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन एंगुलर अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, बी वेक्टर, ऑप्शन बी करना है। नेक्स्ट द एक्सटी ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्लास 11 डायनेमिक्स का क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, क्लास चैप्टर 7 का, ठीक है, तो सॉल्व कैसे करेंगे आपको, देखिए इसमें आपको सॉल्व क्या करना है, द गिवन डेटा आपको साइन कर दिया हुआ एट टाइम टी इक्वल टू 2 सेकंड फाइंड करना, ये आपका टी इक्वल टू 2 सेकंड है यहाँ पर, ठीक है। सॉल्व करने का तरीका क्या है, एक्स नॉट इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव वन, एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा दिया हुआ, टाइम निकालने का आप यहाँ से, इसके बाद आप जो सॉल्व, आपको अगेन एक्स इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी और भी होता है डी एक्स अपॉन डी टी, हमने पहले मैकेनिक्स में पढ़ा हुआ है वेलोसिटी एक्सेलरेशन की वैल्यू, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, ठीक है, हमें पता होना चाहिए कौन सा इंस्टेंटेनियस है कौन सा एवरेज है, तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाला आपने, वहाँ से आपने इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकाला, वी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, ए इज इक्वल टू डी डी अपॉन डी टी, और टाइम टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पर सब्स्टिट करने वैल्यू, तो आपको आंसर मिलेगा -5/16, जो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट द नेट इम्पिडेंस बताना आपको इस क्वेश्चन में, आपको इंडक्टेंस दिया हुआ 55 मिली एम्पीयर, कैपेसिटेंस दिया हुआ 10^3/5 माइक्रो फैराड, और रेजिस्टेंस दिया हुआ 10 ओम्स, नेट इम्पिडेंस क्या होता है फ्रेंड्स हमको पता होना चाहिए, हमने जब एलसीआर सर्किट के ऊपर सॉल्व किया क्वेश्चन को, एलसीआर सर्किट का चैप्टर 7 का क्वेश्चन है ये, क्लास 11th क्लास 12th का, तो इम्पिडेंस हमने पढ़ा हुआ आई इज इक्वल टू वी बाई जेड होता है, और जेड होता है जेड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर होता है, ठीक है, बस वही पुट करना है आपको, इसमें आपको वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5√5 ओम, ठीक है, पूरे वैल्यू पुट कीजिए, कोई डाउट होता है कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है, इसमें भी कोई भी डाउट होती है तो प्लीज़ इसे कमेंट करके बताइए कैसे सॉल्व करना, मैं इसे फिर से एक्सप्लेन कर दूँगा अगर कोई कैलकुलेशन में डाउट हो रही है तो। नेक्स्ट द रेडियस ऑफ इनर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 5.3×10⁻¹⁻ मीटर, वॉट इज द रेडियस ऑफ थर्ड अलाउड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, आपको इनर मोस्ट ऑर्बिट या फर्स्ट ऑर्बिट का कभी भी वर्ड से कन्फ्यूज करते हैं, आपको पता होना चाहिए इनर मोस्ट ऑर्बिट कहे फर्स्ट ऑर्बिट दिया हुआ, आपको थर्ड ऑर्बिट का वैल्यू निकालना है,
रेडियस निकालना है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए आर इज टू द एन स्क्वायर ए नॉट होता है, आपको आपको वैल्यू बता देंगे एन की वैल्यू 3 और ए नॉट आपको पता है ये बोल रेडियस होता है। तो आंसर में आपको वेरी सिंपल फॉर्मूला है, बेस्ट क्वेश्चन था इसमें। एन सी आर नीट में देखिए फ्रेंड्स 70% 80% सिंगल वन लाइन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन से ज़्यादा आते हैं, और इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करने का एनालिसिस कैसे अप्रोच करना है। अगर आपको कुछ भी डाउट है, आपको ये पता नहीं चल रहा है कि अप्रोच कैसे करें, सॉल्व कैसे करें, तो नीचे कमेंट बताइएगा, उसका हम अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, द सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग जस्ट अबाउट द सरफेस ऑफ अर्थ विद रेडियस डी। इफ डी इज द डेंसिटी ऑफ अर्थ एंड जी इज द यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, द क्वांटिटी 3 पाई अपॉन 2 डी रिप्रेजेंट्स। ऑप्शन ए डी क्यूब, ऑप्शन बी टी, ऑप्शन सी रूट डी, ऑप्शन टू डी स्क्वायर। आपको पता होना चाहिए टाइम पीरियड ऑफ एमन टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर आर क्यूब जीएम। ये टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट अबाउट द सरफेस, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको याद रखना है इसको, ठीक है। अब सॉल्व कैसे करना है इसको, डेंसिटी डी डी है मास बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम हमारा स्फीयर है, और स्फीयर स्फीयर ऑफ वॉल्यूम स्फीयर लेवल 4/3πr³। अब दोनों में रिलेशन क्या है, टी इज इक्वल टू 2π√r, आर बाहर निकाल लीजिए, तो ये स्टैंडर्ड रिलेशन है टी इक्वल टू 2π/3d या 3π/3d जो है, हमने अगर उनको सिंप्लीफाई करेंगे तो वो टी स्क्वायर के फॉर्म प्रोपोर्शन में है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ए बुलेट फ्रॉम ए गन इज फायर्ड ऑन ए रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक विद वेलोसिटी यू, व्हेन बुलेट ट्रैवल्स 24 सेंटीमीटर थ्रू द ब्लॉक अलोंग इट्स लेंथ हॉरिजॉन्टली, वेलोसिटी ऑफ बुलेट बिकम्स यू बाय 3। ये मैकेनिक्स से क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मोशन इन ए प्लेन, ये एनसीईआरटी से तो डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, हमें मुझे मिला नहीं, पर आप देखेंगे तो सिंपल से सॉल्व हो जाएगा, बहुत दिक्कत नहीं है। आपको बस इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने हैं, है ना, इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जब ब्लॉक पे पार्ट बुलेट जा रहा है, और पहला इक्वेशन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे वी स्क्वायर इज वी स्क्वायर प्लस 2ax, अगेन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सो इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, और नहीं होता है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, 10 रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज टू अ बैटरी ऑफ EMF E, ये भी आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी से रेजिस्टर्स का सीरीज में है, पैरेलल में है, तो हमने इसका क्वेश्चन सॉल्व किया। इसी वीडियो में आपने पूरा पहले क्वेश्चन देखा होगा, कैपेसिटेंस, देखिए फ्रेंड्स करंट इलेक्ट्रिसिटी कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है, रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल दिया हुआ है, तो आप इक्विवेलेंट करंट मान लेते हैं, लेट न्यू करंट जो है ये इक्विवेलेंट करंट जो है एल आई डैश है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, पुराने करंट को और न्यू करंट को कंपेयर करके सॉल्व करने जा सकते, तो जो न्यू करंट आएगा वैल्यू आएगा 100 टाइम्स ऑफ ओल्ड करंट करंट आएगा, तो आपको टाइम्स पूछना है न्यू करंट कितने टाइम्स बढ़ जाएगा वैल्यू चेंज, ठीक है। कैलकुलेट द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ मूविंग कार सो दैट ए बॉडी लाइंग ऑन द फ्लोर ऑफ द कार रिमेंस स्टेशनरी, आपको मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ मूविंग कार निकालनी है, अगेन ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन है, ठीक है। सिंपल सा स्टैटिक फ्रिक्शन दिया हुआ, फ्रिक्शन वैल्यू लगानी आपको सॉल्व हो जाएगा, क्वेश्चन कुछ नहीं रखा इसमें। अब दोनों फोर्स को इक्वेट कर दीजिए, अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स दोनों को इक्वेट करेंगे तो आपको वैल्यू ए मैक्स वैल्यू मिल जाएगी, आपको कुछ नहीं रखा इसमें। ए हॉरिजॉन्टल ब्रिज इज बिल्ट अक्रॉस रिवर, ये मोशन इन ए लाइन, अगेन ठीक है 11th क्वेश्चन है, ये इस टाइप का सिमिलर क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है फ्रेंड्स, बस फर्क ये है उसमें मैं एक टावर है, उस टावर से बॉल को फेंका, इसमें ब्रिज दिया हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे आपको सॉल्व हो जाएगा, आपको डेटा दिया हुआ है इनिशियल वेलोसिटी यू इज इक्वल टू 4 m/s और टाइम टेक दिया हुआ है टी इज इक्वल टू 4 s, हाइट ऑफ ब्रिज एस दिया हुआ है, ठीक है। तो एस आपको निकालना है, माइनस माइनस का मतलब यह है कि इस बेस बेस लाइन ऑफ ब्रिज ब्रिज बेस माने उस ब्रिज के बेस से कितना नीचे जा रहा है, ठीक है। ये मतलब डेप्थ ऑफ वाटर सरफेस फ्रॉम ब्रिज सरफेस, ब्रिज सरफेस से वाटर का डेप्थ जो है आप ब्रिज को रेफरेंस मानेंगे तो उसके नीचे जो भी आएगा वो नेगेटिव वैल्यू होगी, तो उसका आंसर 60 मीटर डाउन द ब्रिज है, ठीक है, इतना डेप्थ है ब्रिज के नीचे। नेक्स्ट, अगर रैपिड फॉर्म में याद नहीं है आप दो चार्जेस को इंडिविजुअली लेके सॉल्व कर लीजिए तो भी सॉल्व हो जाएगा। देखिए आपको वीपी पी पॉइंट पर आपको पोटेंशियल निकालना है, तो के क्यू भैया आर वैल्यू रख दीजिए दोनों, तो ड्यू टू बोथ द चार्जेस आप वैल्यू रखेंगे तो पोटेंशियल मिल जाएगा आपको, के आपको लेने बंद होता है।
नेक्स्ट इन द फिगर शोन हियर लेंस, अगेन ये रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, जब दो लेंस किसी अदर मीडियम में इमर्ज है, डुबाया हुआ है, तो आपका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगा वो निकालना है आपको। सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए तीन केस दिए हुए हैं आपको इस डायग्राम में, दिख रहा होगा तीनों डायग्राम ड्रॉ किए इसमें, केस ये केस वन, केस टू, केस थ्री, तीनों के लिए इक्विवेलेंट एफ वन, एफ टू, एफ थ्री निकालना है, और तीनों को इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालेंगे। आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/f(b-1)/1/r(b-1)-1/r). इसमें फर्स्ट ऑल थ्री केसेस एफ वन, एफ टू, एफ थ्री निकालेंगे, और उसके बाद इक्विवेलेंट 1/f(1)/1/2/1/3, ठीक है, उसको सॉल्व निकाल लेंगे, तो आपका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आ जाएगा -100। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कोई डाउट हुआ इसमें कैसे सॉल्व हुआ है, क्या नहीं समझ में आया कॉन्सेप्ट, तो कमेंट कीजिए। तो वो थिन लेंसेस आर ऑफ सेम फोकल लेंथ, एफ अगेन सेम रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, बट वन इज कॉन्वेक्स एंड अदर वन इज कॉनकेव। ये एक प्रीवियस क्वेश्चन 2021 में ऐसा क्वेश्चन आया था, सिमिलर क्वेश्चन 2 साल बाद फिर रिपीट हुआ है। देखिए किस तरह रिपीट होगा प्रीवियस क्वेश्चन में, ठीक है, एग्जैक्टली नहीं है, बहुत सिमिलर है। अब दोनों को कॉन्टैक्ट में करो तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगा आपको ये पता होना चाहिए। फॉर लेंस मेकर फॉर्मूला, फॉर कॉन्केव लेंस फोकस फोकल लेंथ होता है नेगेटिव, एंड फॉर कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ होता है पॉजिटिव। दोनों को सम करेंगे इक्वल, तो 1/4 जो है एफ हो जाएगा, माइनस एफ प्लस एफ जीरो हो जाएगा, और दोनों का सम रेशियो निकालेंगे नॉर्मल निकालेंगे इक्वलेंट है वो इनफाइनाइट हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। आपको पता होना चाहिए ये बेसिक नॉलेज है। फॉर कॉन्केव लेंस फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होता है, फॉर कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, ये आपको याद होना चाहिए। ए वायर कैरिंग ए करंट आई अलॉन्ग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस हैज लेंथ एल, इट इज कैप्ट इन अ मैग्नेटिक। आपको आई दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, एफ निकालना है। आपको पता होना चाहिए फोर्स निकाली हुआ पड़ा है, फोर्स बिल बी आई एल होता है, ठीक है, बस आप बी आई एल लगा दीजिए, आई एल कॉन्स्टेंट है, इसमें आई एल फ्रॉम द ऑप्शन आपको दिख रहा है, आई एल के लिए आप कुछ नहीं करना है, सिर्फ बी का ही मैग्नेटिव निकालना है। बी का मैग्नेटिव जब निकालेंगे आप दोनों को सम करके, ठीक है, एफ बी आई एल करेंगे दोनों को वेक्टर सम निकालेंगे, एल इज ए वेक्टर, बी इज ए वेक्टर, लेंथ वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर प्रोडक्ट निकालेंगे, फिर दोनों के इक्विवेलेंट फोर्स निकालेंगे, तो आपको मिलेगा पाई आई एल, आई जे के आपको दिख रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ उसको सॉल्व करना था। द रेजिस्टेंस ऑफ प्लैटिनम वायर एट 0°C 2 ohms and 6.8 ohms at 80°C, द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ वायर, अगेन आपको टेम्परेचर कोएफिशिएंट और रेजिस्टेंस दोनों का रेशियो निकालना है कि दोनों आपस में कैसे रिलेटेड है। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, आपको हमने बहुत बार पढ़ाई क्वेश्चन को आर इज गुड आर नॉट प्लस अल्फा डेल्टा, सो आप अल्फा की वैल्यू निकालनी है इसमें, आर नॉट दी हुई है, टेम्परेचर डिफरेंस टेम्परेचर ग्रेडियंट दिया हुआ है, ठीक है, अल्फा वैल्यू आएगी 3 × 10⁻²⁻ इनवर्स। ए वेरी लॉन्ग कंडक्टिंग वायर इज बेंट इन ए सेमी सर्कुलर शेप फ्रॉम ए टू बी एज शोन इन द फिगर, द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट बी फॉर स्टडी करंट। ये अगेन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक क्वेश्चन आया हुआ है, तीन पॉइंट दिया हुआ है आपको, राइट हैंड रूल लगाना है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगाएंगे तो डायरेक्शन मिल जाएगा। आपको पता होना चाहिए इन्फिनिट वायर का तो बी इज गुड यू नो टाइप ऑफ 4πr, और फॉर सेमी सर्कुलर मी इज गुड यू नो टाइप ऑन 2πr, इन दोनों को सब यूज़ करके आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन को, ठीक है, इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं रखा आपको, या सॉल्व हो जाएगा। 1 − μ0 / 4πr 1 − 2πr होता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, ये लॉजिक गेट्स का क्वेश्चन है, फॉर द फॉलोइंग सर्किट द ट्रू टेबल दिया हुआ है, ए बी सी डी ऑप्शन है, आपको आपको बताना है कि ये डेट गेट कौन सा है। आपको डायग्राम से दिख रहा है फ्रेंड्स, ये जो आपको दिख रहा है ये आपका नैंड गेट है, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपका नॉट गेट है, ये भी आपका नॉट गेट है, तो नॉट गेट से ए जो हो गया यहाँ पर ए बार हो जाता है, ए बी आपका बी बार हो जाता है, और ऐसे आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन, ठीक है, ए बार बी बार नैंड गेट से जाएगा तो आपको क्या आंसर मिलेगा ये आपको बताना है इसमें, ठीक है। देखिए ये आपका डी मॉर्गन थ्योरम यूज़ डी मॉर्गन्स लॉ यूज़ हुआ यहाँ पे, तो क्या होता है ए बार डॉट बी बार का होल बार इज गोड ए प्लस बी, और ए प्लस बी हमको पता है ये और गेट होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा कंप्लीट होता है फिजिक्स पार्ट टू, फॉर मोर सब्जेक्ट्स केमिस्ट्री और बायो के भी इस तरह अपलोड होने इस चैनल पे, अब लगातार बने रहिए, और अपने आप सारे वीडियोस चेक कर लीजिए, आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, थैंक यू।